हेलो जी। तो आज हम मनाने जा रहे हैं जयपुर की महावीर रबड़ी भंडार की बहुत ही फेमस आलू पनीर और प्याज की सब्जी। तो पहले हमें ग्रेवी के लिए एक पेस्ट बना लेना है। 4 बड़े प्याज, प्याज को आप काट सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। 3 बड़े टमाटर को हमने डाइस में काट लिया है। 3 डालेंगे इसके अंदर हम हरी मिर्च, 10 ग्राम डालेंगे इसके अंदर अदरक, और 5 से 6 ग्राम डालेंगे लहसुन की कलियाँ बिगर छिली हुई। इसमें डालनी है 7 से 8 भीगी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, आप भीगी हुई होल हल्दी भी डाल सकते हैं। जी पेस्ट देख सकते हैं हमारा रेडी है। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम की गोली प्याज होती है सामर अनियन, इसको छील लिया है। इसको हमने फ्राई करना है कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यही कुछ चीज़ें हैं जो उनकी सब्जी को अलग बनाती है। तो देख सकते हैं मेरी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो हम इस प्याज को बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही यूनिक स्टाइल है जी इनका। यहाँ 3 आलू हैं, बड़े आलू को मैंने छोटे डाइस में काट लिया है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। वो जी महाराज जी रबड़ी भंडार जो है जयपुर में, वो बहुत ही फेमस दुकान है। और उनकी ये सब्ज़ी इतनी फेमस है कि वहाँ पर जी बहुत लंबी लाइन लग रही थी सिर्फ इसी सब्जी के लिए। तो मैं गया था जयपुर लास्ट मंथ, मैंने वहाँ खाई। जो 200 ग्राम पनीर को मैंने डाइस में काट लिया है, उसको भी हमने फ्राई कर लेना है। तो पनीर मेरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, देख सकते हैं क्रिस्प हो गया है। उसको हम निकालेंगे और हमें डालना है इसको सीधा नमक के पानी में। ध्यान रखेंगे छींटे ना आए आपके ऊपर। लगभग 50 से 60 ml में लूँगा इसके अंदर ऑयल। 4 तेज़पत्ता डोल के डालेंगे जी इसके अंदर। 1 चम्मच काली मिर्च है और 1 चम्मच होल धनिया है, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। क्रैकल होने देंगे मसालों को। अब डाल दूंगा मैं अपनी ग्रेवी जो हमने बनाई थी। लहसुन का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन डालते हैं। 1 चम्मच हल्दी ब्राइटनेस के लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 पिंच ऑफ लाल मिर्च क्योंकि हमें मिर्च पहले भी डाल चुके हैं ज़्यादा ना हो जाए, 1 चम्मच ही गरम मसाला। अच्छा स्टार देंगे और ग्रेवी को मसालों के साथ पकाएंगे जब तक कि तेल हमारा ऊपर ना आ जाए। तो ये मसाला हमारा पकना स्टार्ट हो गया। तो इस स्टेज पर हमें क्या करना है, 100 ग्राम फैटा हुआ दही डालना है इसके अंदर। दही को हमने अच्छे से फैट लेना है और उसको एक ही दिशा में 1 डायरेक्शन क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उससे क्या होगा, दही फटेगा नहीं। नमक। तो जी दही को और मसाले को पकते हुए आधा घंटा हो गया है, अच्छे से ड्राई हो गया मसाला। अब बाजी आती है आलू और प्याज को डालने की। और ये मेरा पनीर है, इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, एक्सेस वाटर इसमें से निकाल लेंगे और डाल लेंगे सब्जी के अंदर। तो अच्छे से हम मसाले के साथ पकाएंगे सब्जी को लगभग 5 मिनट तक। और लगभग आधा कप में डाल दूंगा नमक वाला ही पानी, पनीर वाला। तो जी अब डालेंगे इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया का जो उसके स्वाद को बढ़ाता है, और स्प्लिट करे हुए हरी मिर्ची। अच्छा दूंगा स्टर। तो तैयार है हमारी महावीर भंडार वाली आलू प्याज पनीर की सब्जी। तो जी आज हमने आपको बना के दिखाई है महावीर भंडार की बहुत ही फेमस आलू प्याज पनीर की सब्जी। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको खा सकते हैं तवा रोटी के साथ या फिर चुटकी रोटी के साथ, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। और जी ये आ गया हरा धनिया। तो जी तैयार है एकदम महावीर भंडार जैसी आलू प्याज पनीर की सब्जी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिए। कोई भी क्वारी हो इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।